नमस्कार दोस्तों, mobile.com के इस फर्स्ट न्यू एपिसोड में सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की परेशानी ये होती है कि आपके पास जियो फ़ोन है लेकिन आप इसमें हॉटस्पॉट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ना ही आप इसमें फाइल शेयरिंग कर सकते हैं किसी भी हाई स्पीड चीज़ों के थ्रू। इसमें आपको बस एक ही ऑप्शन दिया गया होता है, वो है ब्लूटूथ का ऑप्शन, जिससे आप फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा जो तरीका बताने वाला जिसमें आप शेयरइट के थ्रू अपने एक जो एंड्रॉयड स्टैंडर्ड एंड्रॉयड फ़ोन से आप अपने जियो फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस में सबसे पहले आपको शेयरइट ओपन करना है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयरइट ओपन करके, ये मैंने शेयरइट ओपन कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो ऊपर कॉर्नर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, डॉट बने हुए हैं, इसमें से आप एक देख सकते हैं, वेब शेयर का ऑप्शन दिया गया है। वेब शेयर का ऑप्शन जब आप यहाँ ओपन करते हैं तो आपको हॉटस्पॉट स्टार्ट करने के लिए बोलता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं अपना हॉटस्पॉट स्टार्ट करता हूँ, तो इसके बाद मुझे एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी होती है जिसको मुझे अपने जियो जो फ़ोन है उसमें हमको शेयर करना है। तो इसके बाद मैंने एक वीडियो फाइल सेलेक्ट की है आपको दिखाने के लिए, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक वेब URL दिया गया है। कोडिंग के माध्यम से आपको इसको अपने जियो फ़ोन के URL में लिखना होगा। तो सबसे पहले इसमें यूजर्स आपको सेटिंग में जा करके अपने जियो फ़ोन का जो वाईफाई हॉटस्पॉट है, जो कि सॉरी वाईफाई है, इसको आपको ऑन करना होगा। उसके बाद इसमें जो अवेलेबल नेटवर्क्स हैं इनमें से आपको उसके बाद यूजर को सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि ये दूसरे वाले स्मार्टफोन में का वाईफाई है जो हॉटस्पॉट है ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट होने का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे ये अब कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको जो एड्रेस में इनपुट में आपको सेम यही URL को प्रेस करना जो आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में दिया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पे इनपुट में आपको यहाँ पे जो URL है इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों, अब जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेम वही जो सॉन्ग मैंने सेलेक्ट के लिए किया है ये डाउनलोडिंग करने के लिए यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे डाउनलोडिंग जो आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो जो है डाउनलोड होना ऊपर स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं, वीडियो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। इतने फास्ट वे में डाउनलोड हुई है 70 MB की वीडियो, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप टाइमिंग भी मैच कर सकते हैं, 1 मिनट से भी कम समय लगा है यहाँ पे, करीब 10 सेकंड के अंदर ये 70 MB की वीडियो यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत सारे ऐप्स या कोई भी वीडियो मूवीज़ पिक्चर वगैरह आप शेयर कर पाएंगे बिल्कुल 10-20 सेकंड 1 मिनट के अंदर, वो भी बहुत फास्टर वे के साथ में और शेयरइट का इस्तेमाल करते हुए।